प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको नमस्कार। आज के सुंदर संध्या के समय पुनः शुक्रवार के समय आप सबों का स्वागत करते हैं और चाहते हैं प्रभु की अद्भुत आशीष का भाग हमें से हर एक की जीवन में बेहतर है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अद्भुत से हम सबों को आशीर्वाद करें। अपनी आंखें बंद कर लें, हम प्रभु की ओर चलें और उससे सहायता लें। हमारे जीते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थी पवित्र नाम में आपके चरणों से ही पाते हैं, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस अलौकिक संध्या के लिए जो पुनः आपने हमारे जीवन में दिया कि हम आपके साथ अपने संबंधों को और भी मधुर बनाकर आपकी अलौकिक योजनाओं में जो महिमा से भरी हुई है, जिसको हमने देखा तक नहीं, सुना तक नहीं और नहीं समझा है प्रभु, चित्त में नहीं चढ़ी, उन बातों को आप पूरा करने के लिए हमारे बीच में प्रभु आपका स्वागत करते हैं, आपको निमंत्रण देते हैं। आप आ जाएं प्रभु और अद्भुत महिमा को हमारे बीच में प्रकट करें। हम आपके अपने आप को लहू के बाड़े में लेते हैं, आपकी धार्मिकता में होकर प्रभु आपके चरणों से ही पाते हैं और पवित्र आत्मा रूपी अलौकिक सहायता के द्वारा अद्भुत महिमा के बातों को जो आप हमारे जीवन में रखें उसकी प्राप्ति के लिए हम आपके पास बैठ रहे हैं। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत जरूरी है और प्रभु हम डरते और कांपते हुए आपकी उपासना आराधना कर सके ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। पूरे समय को पवित्र आत्मा नियंत्रण में ले और आपकी सिद्ध अलौकिक योजना इस रेनी सीजन की शुरुआत में प्रभु अंतिम दिनों की आशियों की अद्भुत अपेक्षाएं जो हमने की है उससे बढ़कर करने के लिए आज की संध्या उपस्थित हो गए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका आदर करते हैं और आपको आदर में जलाल देते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना, विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करें, आमीन। आइए अपन उसके आसन के पास चलेंगे। कृपा मिलती है, तेरे चरणों के पास बैठूं शांति मिलती है, तेरे मंदिर में मैं आऊं प्रभु यीशु मिलता है। तेरे आसन के पास आऊं कृपा मिलती है, तेरे चरणों के पास बैठूं शांति मिलती है, तेरे मंदिर में मैं आऊं यीशु मिलता है, तेरे आसन के पास आऊं कृपा मिलती है, तेरे चरणों के पास बैठूं शांति मिलती है, तेरे मंदिर में मैं आऊं यीशु मिलता है, तू ही है यहोवा शालोम प्रभु मेरी शांति, जो मेरे मन में आए मसीहा को जानकर, तू ही है यहोवा शम्मा प्रभु मेरे करीब है, है मुझसे तेरे साथ रहूंगा सदा, तेरे हृदय को मैं छूलूं प्यार मिलता है, तेरे हाथों को मैं था है, तेरी आंखों में मैं देखूं तृप्त होता हूं मैं, तू ही है यहोवा रोही प्रभु मेरा चरवाहा, हरी चराई में चराता
दुखदाई जल पिलाता, तू ही है यहोवा रे प्रभु जो मुझे देता है जरूरत को पूर्ण करता, महिमा के धन से तेरे आसन के पास आऊं कृपा मिलती है, तेरे चरणों के पास बैठूं शांति मिलती है, तेरे मंदिर में मैं आऊं यीशु मिलता है, तेरे हृदय को मैं छूलूं प्यार मिलता है, तेरे हाथों को मैं थामूं सहारा मिलता है, तेरी आंखों में मैं देखूं तृप्त हो विश्वास है हमारा। जब भी हम प्रभु के पास आते हैं प्रभु ये सब कुछ कर देता है। हमें विश्वास है कि जैसे हम प्रभु के पास आते हैं प्रभु अपना साथ इमानुएल बनकर रहता है। यीशु है जब पास तेरे तुझको क्या है कमी। मेरे राम के जीवन में बहुत से परिस्थिति इस लॉकडाउन में बहुत सी बातें बंद है, बहुत सी बातें रुकी हुई है। इन समय में भी परमेश्वर जब हमारे पास है तो हमें किसी बात की कमी नहीं है। वो हमारा परमेश्वर सब कुछ करने वाला पूर्णता के साथ मेरे राम के साथ उपस्थित है। वो पूरा परमेश्वर पूर्णता के साथ संपूर्णता के साथ भरपूरी के साथ मेरे राम के बीच में सही है। मिलकर गाएं यीशु है जब पास तेरे, यीशु है जब पास तेरे तुझको क्या है कमी, यीशु है जब पास मेरे मुझको क्या है कमी, आकाश उसका सिंहासन है पांव की चौकी जमी, आकाश उसका सिंहासन है पांव की चौकी मुझको, यीशु है जब पास मेरे मुझको क्या है कमी, ना डर ना आज तुझ पर लगेगी बस आशीषे तुझ पर रहेंगी, ना डर ना आज तुझ पर लगेगी बस आशीषे तुझ पर रहेंगी, कह तू अपनी आँख से ना हो तुझ में नमी, कह तू अपनी आँख से ना हो तुझ में नमी, उसका सिंहासन है पांव की चौकी जमी, आकाश उसका सिंहासन है पांव की चौकी जमी, यीशु
जब पास मेरे मुझको क्या है कमी। सारे जहां मैं सबसे अमी, तुझ में बसे मसीह का जमी। सारे जहां मैं सबसे अमी, तुझ में बसे मसीह का जमी। यीशु के ही बल से आज ये दुनिया ऐसी तमी। यीशु के ही बल से आज ये दुनिया ऐसी तमी। हिम्मत न हार कर हौसले बुलंद, खुल जाएंगे वो द्वार जो हैं बंद। हिम्मत न हार कर हौसले बुलंद, खुल जाएंगे वो द्वार जो हैं बंद। चलते जा राह में तू, चलना हो तेरी धीमी। चलते जा राहों में तू, चलना हो तेरी धीमी। आकाश उसे कसी हासन है, पाँव की चौकी जमी। सिंहासन पांव की चौकी जमी। यीशु है जब पातरे, तुझको क्या है कमी। यीशु है जब पास मेरे, मुझको क्या है कमी। हालेलुया। हम जो विश्वास करते हैं हम वही बोलते हैं, इसी को विश्वासी कहा जाता है। इन अंतिम दिनों में, इन दिनों में परमेश्वर चाहता है कि हमारे मुख से, जो परमेश्वर हमारे साथ रहता, हमारे अंदर रहता और हमारे बीच में रहकर अपनी अद्भुत महिमा को प्रस्तुत करने के लिए तैयार है, उसके चरणों से हम उसकी प्रशंसा करते हुए, उसका हम स्वागत करते हुए हमने उसकी तारीफ की। आइए हम उसकी इबादत करेंगे। हम उसे सचमुच में आंखों को बंद करके, हाथों को जोड़कर, घुटने टेक कर, जैसी भी अवस्था में हम हैं, अपने हृदय से लिखा है प्रभु से प्यार करें। प्रभु कहता हाँ, तुम और सच्चाई से आराधना करने वाले को मैं ढूंढ रहा हूँ। ये जरूर है कि अपने शरीर को हम समर्पित करें। आपका समर्पण किसी प्रकार का भी क्यों ना हो, मगर समर्पित जरूर है, जिससे प्रभु ये है जमीन, ये आसमान। आइए मिलकर प्रभु की इबादत करें और उसकी महिमा गाएं और उसकी हालेलुया। हम प्रभु की आराधना करेंगे, अपने मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति तारीफ करें, उसकी जय जयकार करें, उसके नाम को ऊंचा उठा दें और उसके नाम को जय जयकार दें। उसने हमको जीवन दिया, उसने हमारे जीवन का सब कुछ है। आइए हम उसे सराहें। ये है जमीन, ये है आसमान। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में हम आराधना करें, हम जय जयकार करें। प्रभु सच्चे भक्तों को ढूंढ रहा है, जो आत्मा सच्चाई के साथ इस भक्ति के गीतों को गाकर हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं। वही प्रभु है, वही पिता है, वही हमारा खुदा है, उसी ने हमें पापों से छुड़ाया, उसकी महिमा सदा गाते रहें। तो गाओ हालेलुया, हम प्रभु की महिमा गाएं।
तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। ये है जमीन आसमां, तुम सा कोई कहां। ये है जमीन ये आसमां, तुम सा कोई कहां। करते रहे इबादत तेरी हम, तेरी महिमा यहां। करते रहे इबादत तेरी हम, तेरी महिमा यहाँ। तो गाओ हालेलुया, हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, प्रभु। तू है पिता और तू हमारा खुदा। तू है प्रभु, तू है पिता और तू हमारा खुदा। थे पापों में छुड़ाया हमें हो, महिमा सदा। ते पापों में छुड़ाया हमें हो, तेरी महिमा सदा। तो गाओ हालेलुया, हालेलुया, तो गाओ ये। जबकि हमारी आंखें बंद है, हम प्रभु से हमने उसको प्रणाम किया है, अपने जीवन को उसके हाथों समर्पित किया है, महिमा की बातों को हम चाह रहे हैं कि उसे सुनकर प्रकाशन के साथ अद्भुत महिमा की बातें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्पित पवित्र नाम में हम आपके चरणों से ही पाते हैं विनती और प्रार्थना करते प्रभु। आज की अलौकिक संध्या में हम सबों के लिए अलौकिक माध्यम को हमारे जीवन में बहाइए प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तू ही प्रभु, तू ही पिता, तू ही खुदा है। हम प्रभु इबादत करते रहे, हम आपकी आराधना करते, अपने सिरों को झुकाते, अपनी आंखों को बंद करते, अपने हाथों को जोड़ते और तुझे प्रणाम करते, तुझे सजदा करते, तेरी आराधना उपासना करते प्रभु। तू ही जीता परमेश्वर है, तू ही महिमा से भरा हुआ हमारे बीच में चलने वाला, साथ रहने वाला और अद्भुत महिमा को दिखाकर अपनी योजनाओं को पूर्ण करने वाला प्रभु। धन्यवाद देते हैं। आप ही पर विश्वास करके हमने जीवित धन्य उत्तम आशा कि आपका ना निकट हम अपने जीवनों को तैयार कर सके। आपकी उपस्थिति हमारे लिए पर्याप्त है, जो अपनी अद्भुत महिमा की योजना में हमें शामिल रखी हुई है प्रभु। आप ही मानवल बनकर साथ हैं। ओ प्रभु, आपका दस धन्यवाद करते हैं। आत्मा में आपकी उपस्थिति और सहभागिता के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपको आदर में जलाल देते, पूरे समय को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देते हैं। अब जब अपनी वाणी के प्रकाशन को देते प्रभु, अद्भुत हिस्से में सहरे को सुनने वाले कान ग्रहण करने वाला हृदय और अद्भुत महिमा में रूपांतरित करने वाली आत्मा का समर्पित प्रभाव हमें से हरेक के जीवन में पूर्ण समर्पण के साथ क्रियान्वित हो जाए प्रभु। हम घटते चले जाएं और आपकी सिद्ध योजना हमें से हरेक के जीवन में पूर्ण होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। पूरे समय को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देते हुए, संचालन देते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हुए ग्रहण करें, आमेन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और हम चाहेंगे कि प्रभु की अद्भुत महिमा का अद्भुत भाग हमें से हरेक के जीवन में होता रहे और हम प्रभु की अद्भुत योजनाओं में सहभागी रहकर प्रभु से कह सकें कि परमेश्वर कितना भला है और कितनी अद्भुत योजनाओं का भाग हमें से हरेक को देना चाहता है।
कि मिलकर प्रभु की अद्भुत आशियों के भाग को सदा देख सकें और जान सकें कि परमेश्वर कितना भला है और उसकी भलाइयाँ हमारे जीवन में कितनी अलौकिक है। सही हम प्रभु की अद्भुत महिमा के भाग को अपने जीवन में देखना चाहेंगे और चाहेंगे कि वह अद्भुत भाग हमें से हर एक के जीवन से बहता रहे। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे वचन को, हम ध्यानपूर्वक पढ़ें और इस बात में जानने की कोशिश करें जहाँ परमेश्वर इन अद्भुत बातों को मेरे और आपके जीवन में ले चले जिससे कि हम अद्भुत है। आइए हम भजन संहिता 68 68 की 35वीं आयत को हम देखेंगे। साम 68 वर्स 35 वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है जहाँ हम इन बातों को, मैं ध्यान से बोल रहा हूँ और मैं पढ़ूंगा, इन बातों को याद रखें। हालेलुया। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य है। इज़राइल का ईश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ और शक्ति का देने वाला है। परमेश्वर धन्य है। हालेलुया। आज इन दिनों में परमेश्वर इन अद्भुत बातों को मेरे और आपके जीवन में देता है कि हम अद्भुत महिमा के भाग को अद्भुत रीति से प्रकट कर सकें और उसकी योजनाओं का भाग हमारे जीवन में लगातार चलता रहे और हम उसकी महिमा को अंजाम दे सकें। सो प्रभु हमारे लिए अद्भुत करता है कि हम प्रभु के प्रति धन्यवादित रहकर उन अद्भुत बातों को अपने जीवनों में देख सकें कि हमारा परमेश्वर कितना भला है और उसकी योजनाएं हमारे लिए कितनी भली और अद्भुत हैं जो हमें से हर एक के जीवन के लिए प्रभावकारी है। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य है। परमेश्वर पवित्र स्थान में है, ईश्वर के लहू से धुल कर और उसकी धार्मिकता होकर प्रवेश किए हैं। निश्चित विश्वास है परमेश्वर आदर के योग्य है, भय के योग्य है, जिसको बोलते रेवरेंशियल फियर। हम ये जानकर लिखा कि जानकर के परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है, डरते और कांपते हुए उसकी आराधना करें। मेरा विश्वास है आप शामिल हुए हैं, यीशु के लहू से धुले हैं, अपूर्ण भय आदर सम्मान देते हुए यहाँ पर हैं, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को अर्थात अपनी कलीसिया को सामर्थ और शक्ति का देने वाला है। हमारा दाता परमेश्वर आज हमारे साथ है, हमारे बीच में है और वो परमेश्वर धन्य है, वो ब्लेसेड है, वो आशियों के साथ अपनी योजनाओं के साथ वो हमारे बीच में उपस्थित है। आज हम इन बातों को देखने का प्रयास करेंगे जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि जब परमेश्वर हमारे बीच में सामर्थ और शक्ति का देने वाला है, अपनी प्रजा को, अपने खून खरीदों को, जिनको उन्होंने पापों को क्षमा करके अपने संतान बनाया, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु माना, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, परमेश्वर अद्भुत रीति से उन्हें अलौकिक प्रभावों में ले चलना चाहता है। वो चाहता है कि आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हमारी आत्मा को अलौकिक संतुष्टि, अलौकिक विश्राम, अलौकिक आराम की धाराएं जो इस लॉकडाउन में मेरे और आपके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रभु का आना निश्चित है। वो चाहते हैं कि इन दिनों में याद रख के हम अच्छे से जान जाएं कि सामर्थ्य और शक्ति का देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा में होकर हमारे बीच में उपस्थित है और वो परमेश्वर धन्य आशियों के साथ हमारे बीच में है कि अपनी योजनाओं को मेरे और आपके जीवन में पूर्ण करें और सचमुच में हमारा जीवन धन्य हो जाए। जब हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर कैसे इन बातों को परमेश्वर बताना चाहता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय उसकी 29वीं आयत को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको 40:29 ऑफ आइज़या वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। आज सबको शक्ति और सामर्थ्य की अत्यंत आवश्यकता है। आत्मा में सब कुछ देने के लिए वो परमेश्वर जो जीवित है, जो आत्मा में होकर आज हमारे साथ है, हमारे अंदर है, इवन हम जब हम आराधना कर रहे हैं हमारे बीच में उपस्थित होकर हमारे बीच में चल रहा फिर रहा है। यहाँ पर लिखा वो थके हुए को बल देता। आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में थक गए हों, आपकी परिस्थितियों ने, बीमारियों ने, कमियों घटियों ने, अवस्थाओं ने, परिस्थितियों ने किसी प्रकार से भी आपको थका दिया हो या शक्तिहीन कर दिया हो कि अब हमारे पास कोई शक्ति नहीं, प्रभु कहता सब कुछ दाता मैं हूँ, जीवन का दाता मैं हूँ, जीवन को चलाने वाला मैं हूँ, वो जीवन को चलाने वाला मैं हूँ, परिवार को संभालने वाला मैं हूँ, वो इब्रानियों 1:3 में लिखा सब कुछ मैं वचन के द्वारा संभालता हूँ। और आज की अलौकिक वाणी जो परमेश्वर धन्य आशियों के साथ अपनी प्रजा को सब प्रकार की शक्ति और सामर्थ्य के देने वाले परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में आ गई है, तो परमेश्वर चाहता है इन दिनों में याद रखें परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ही
अनिवार्य है, जो मेरे और आपके जीवन के लिए प्रभु के पास आने देने के लिए हमारे थकी हुई परिस्थिति को, हमारी शक्तिहीन परिस्थिति को सब प्रकार की सामर्थ्य में और बल में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए प्रभु कहता है कि मेरे लोगों, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसकी 19वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रभु कहता है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। सब लोग लॉकडाउन में पता नहीं कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ऐसा दिन आ जाए, वैसा दिन आ जाए, और हम प्रभु कहते हैं विश्रांति केवल प्रभु की उपस्थिति से ही, परमेश्वर के पास आने से ही मिलती है। इसलिए लिखा है, मन फिराकर, मन कहीं भी दौड़ रहा हो, किसी में भी फंसा हो, किसी में भी अटका हो, वहां से लौट आकर पाप मिटाए जाए। कोई भी बातें जो हमें इधर उधर फंसा के रखी है, निराश किए, भ्रमित कर दिए, डिस्ट्रैक्ट कर दी है, हताश कर दी है, डरा दी है, घबरा दी है, सब बातें, इसमें कोई भी पाप, अपराध या धर्म की बातें, प्रभु कहता सब को मिटा देने का प्रभु का लहू ये शक्ति रखता है कि उसे मिटा दे, और जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन मंगाए। परमेश्वर अपनी आत्मा में होकर अलौकिक शांति की धाराओं को मेरे और आपके जीवन में बहाना चाहता है। वो चाहता है रिफ्रेशमेंट उसके प्रेजेंस से मेरे और आपके लाइफ में, कंफर्ट, रिफ्रेशमेंट, नए प्रकार की अलौकिक बातों को मैं और आप अपने जीवन में प्राप्त करें। ये स्पिरिचुअल जो रिफ्रेशमेंट है वो मिलता कहाँ से? लिखा है, तुम लौट आओ, मन फिराओ, लौट आओ कि प्रभु के सन्मुख से विश्रांति। प्रभु के सन्मुख हम लोग सब आए हुए हैं, यहाँ से विश्रांति के दिन प्रभु ने कहा था। लॉकडाउन हो, कोई भी परिस्थिति अंतिम दिन में खराब होंगे, लोग चिंतित हो जाएंगे, लोग घबरा जाएंगे, लोग डर के मारे और आने वाली देखो बातों की बात देखते देखते लोगों के जी में जी नहीं रहेगा, सब बातें होती चली जा रही है। ऐसे में तुम सीधे खड़े होकर मेरी ओर देखना। आज जब हम प्रभु की ओर आत्मिक रूप से प्रभु जो उपस्थित है उसकी उपस्थिति में उसको निहार रहे हैं, तो प्रभु कौन कौन सी बातों को मेरे और आपके जीवन में चाहता है? स्पिरिचुअल कम्फर्ट कहाँ से आता है? आत्मिक रूप से आराम या सांत्वना या तसल्ली या तृप्ति मेरे को और आपको कहाँ से मिलती है? इसलिए लिखा है, मन फिराओ, लौट आओ कि प्रभु के सन्मुख से, जिसकी प्रभुता, जो यीशु प्रभुओं का प्रभु है, जो मानव जाति का केवल उद्धार करता नहीं बल्कि उसके प्रभुत्व से मेरा और आपका जीवन, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उस प्रभु यीशु को दिया गया है। मत्ती के 28 उसकी 19-20 आयत में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, 18-19 में, इसलिए तुम जाओ और सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें ये शुभ समाचार दो, और जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, वह परमेश्वर के राज में शामिल की जाए। उनसे कह दो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। वाओ, हालेलुया, क्या खुशखबरी, जीवित धन्य उत्तम आशा। जब आदमी घबराया हुआ है, डरा हुआ है, व्याकुल, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर मेरे और आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसलिए हम देखेंगे कैसे ये कम्फर्ट, ये स्पिरिचुअल कम्फर्ट आता कहाँ से है? आध्यात्मिक रूप से आपकी आत्मा को आराम या संतुष्टि कहां से मिलेगी, या विश्राम कहां से मिलेगा? आइए हम सर्वप्रथम देखें, जब प्रभु के दास लोग चलते हैं, जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, जिन्होंने यीशु को अपना उद्धार करता और प्रभु माना है और उसके प्रभुत्व पर विश्वास करते हैं कि प्रभु के सन्मुख से ही विश्रांति के दिन आएंगे। आज कहीं से भी कोई गवर्नमेंट, किसी प्रकार का उपाय, किसी ऑक्सीजन का, कोई वैक्सीन का उपाय मेरे को और आपको तसल्ली और सांत्वना और आराम नहीं दे सकेगा, मगर केवल प्रभु ही है जो मेरे और आपको सब कुछ देने के लिए आज भी तैयार है और उपस्थित है। आइए हम देखें वचन के हिसाब से, मैं आज उन बातों को आपके सामने बताना चाहूंगा जहां से मेरे और आपके जीवन में कंफर्ट आएगा, विश्राम आएगा, तसल्ली आएगी, सांत्वना आ जाएगी और मेरे और आपका जीवन धन्य, जीवित और उत्तम आशा का कि बहुत जल्दी हमें लेने आने वाला और अपने साथ ले जाएगा। हम जाएंगे, हम घबराएंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम व्याकुल भी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। प्रभु हमारे लिए घर बनाने गया है, बहुत जल्द लेने आने वाला है। अंतिम दिनों के सारे चिन्ह इस बात को बता रहे हैं कि प्रभु का आना बहुत निकट है। जब प्रभु मेरे को और आपको तैयार कर रहा है, तो आइए हम देखें उसकी कंफर्ट के साथ मेरे और आपके जीवन में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होना है। और प्रभु इस परिवर्तन के साथ, लिखा वो अपनी सामर्थ्य के साथ, फिलिप्पी 3:21 में लिखा है, वो अपनी सामर्थ्य के शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जो तुम्हारे दीनहीन देह का रूप बदल कर अद्भुत महिमा के स्वरूप में ट्रांसफॉर्म करेगा। प्रभु मेरे और आपके जीवन में अद्भुत कृति के साथ मेरे और आपके जीवन में ये महिमा की बातें होती चली जा रही है। आइए हम देखेंगे जहां पर प्रभु कौन कौन सी माध्यम से मेरे और आपके जीवन में ये कंफर्ट को आज रिलीज कर रहा है। लिखा है, इसलिए उसने कहा था, मन फिराओ, लौट आओ। हाँ, कौन सी बात से? तो एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक उसका 33वां अध्याय उसकी 14वीं आयत को यदि पढ़े तो आपको समझ में आएगा। 33:14 ऑफ एक्सोडस, निर्गमन, यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा
और तुझे विश्राम दूंगा, माय प्रेजेंस शैल गो विद दी एंड आई विल गिव द रेस्ट। प्रभु आपने चले तो कुछ नहीं होगा, आपका चलना बहुत आवश्यक है, आपके साथ ही चलने से सब कुछ है, आप ही सुरक्षा है, आप ही शक्ति है, आप ही बल है, आप ही सामर्थ्य है, आप ही जय है, आप ही हाँ अलौकिक रूप से संपन्नता है, सफलता है, विजय है और सब कुछ जो हमें आवश्यक है, चंगाई है और सब प्रकार की ताजगी है, सब प्रकार का आनंद, सब कुछ आप है प्रभु, आपका साथ ही मेरे और आपके जन्म, इसलिए प्रभु ने कहा था प्रभु यीशु बचाते और इमानुएल हमारे साथ रहकर सारी प्रतिज्ञाओं को पूरी करने के लिए, सारी योजनाओं को हाँ और आमीन के साथ जो भली और उत्तम है पूरी करके मेरे और आपके जीवन में सुपुर्द करने के लिए आज भी उपस्थित है। हालेलुया। सबसे पहली बात जो प्रभु कहना चाहता है, मूसा ने जब प्रार्थना की प्रभु मैं कैसे करूँगा, मैं चाहता हूँ आप चले, आप यदि नहीं चलें तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, अपनी गति समझाइए, अपनी सब कुछ बातें बता दीजिए प्रभु, प्रभु अपनी प्रजा के लिए ऐसा होने दीजिए, अपनी कलीसिया के लिए ऐसा होने दीजिए। तब यहोवा ने क्या कहा, परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा, माय प्रेजेंस गो विद दी एंड आई विल गिव यू रेस्ट। हो हालेलुया। ओ देखिए प्रभु ईश्वरीय उपस्थिति के द्वारा विश्राम को देना चाहता है। हालेलुया। जब वो बहुत परेशान हो गए, जब बहुत मूसा जब लोगों को लेके जा रहा था, बहुत डरे हुए घबराए हुए जीवन की परिस्थिति में, सब प्रकार की अवस्था जब बिगड़ गई और इस अवस्था में जब वो प्रार्थना करने लगा प्रभु आप चलिए परिस्थितियाँ बहुत ख़राब है, ऐसे समय परमेश्वर ने कहा मैं आप चलूँगा और तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। हाँ प्रभु की उपस्थिति ही सबसे बड़ा विश्राम शांति रेस्ट वो हमें प्रदान करता है, उसके सिवाय कोई भी नहीं है। इसलिए लिखा है, सब लोग पढ़ते हैं भजन संहिता 91 तो आपको समझ में आता है वहाँ पर क्या लिखा, सब लोग याद कर लिए थे बीते समय में लॉकडाउन के समय, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। जो बैठा रहे वही ठिकाना पाएगा, रेस्ट उसे मिलेगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। आज प्रभु मेरे और आपके जीवन में चाहता है कि मैं और आप इस अलौकिक सत्य को पहचान कर अपने जीवन में अद्भुत माध्यम को अपने जीवन में होने दें, जहाँ प्रभु मेरे राम के जीवन की अद्भुत बातों को रहेगा। हालेलुया। जो सीक्रेट प्लेस परमेश्वर ने अपनी कलीसिया कहा है, मैं अपनी प्रजा के साथ चलूंगा, अर्थात प्रभु ने कलीसिया को वादा किया है, मत्ती 16:18 के आधार पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, मैंने छोड़ूंगा त्यागूंगा बल्कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु जब सब प्रकार का वादा किया है तो मेरे को और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आज मेरे को और आपको जानकर समझने की जरूरत है, वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ रहकर इन अद्भुत बातों को प्रकट करना चाहता है, उसकी उपस्थिति उसको उपस्थित जानकर चलना मेरे और आपके जीवन में जरूरी है। बीते समय आपको सिखा रहा था, आपको पता नहीं कितने लोग को याद होगा, जब मैं संडेस को भी लगातार बोल रहा था तब मैंने उपस्थिति पर बोला था कि प्रभु की उपस्थिति मेरे और आपके जीवन के लिए कितनी आवश्यक है, जहाँ प्रभु मेरे और आपके जीवन में इन बातों को देना चाहता है, जहाँ मैं और आप प्रभु को उपस्थित जानकर चले, जिससे कि प्रभु की अद्भुत महिमा का अलौकिक भाग मेरे और आपके जीवन से बहता और बहता और बहता चला जाए। हालेलुया। कौन सी थी मालूम है, जो अपन अंतिम आशीर्वाद के रूप में कहते हैं, परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता। ये पवित्र आत्मा की सहभागिता, ये परमेश्वर की आत्मा की जो सहभागिता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को, उसके प्रभुत्व को लेने के बाद पवित्र आत्मा हमारे साथ उपस्थित रहने के लिए, हमारे बीच में रहने के लिए, हमारे हृदय में रहने के लिए आ गया, जिन्होंने यीशु को उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण करते हुए पवित्र आत्मा की भरपूरी को अपने जीवन में लिया और उसके बपतिस्मे को लेकर वो सचमुच में आत्मा से भर गए हैं। परमेश्वर कहता है आज मैं तुम्हारे साथ नहीं तुम्हारे अंदर हूँ, इवन तुम्हारे मध्य में रहकर अद्भुत महिमा को दिखाना चाहता हूँ कि अद्भुत महिमा का भाग तुम्हारे जीवन में होता रहे। आज कितने लोग परमेश्वर की इस उपस्थिति को समझ के चल रहे हैं, प्रभु ने कहा था हाँ जो महिमा की आत्मा तुम्हें वास करता है, कुलुसी 1:27 में, हाँ वो महिमा की योजनाओं के साथ मेरे और आपके साथ वास करता, मेरे और आपके साथ है और मेरे और आपके बीच में, कि उन अभिप्रायों को सब छोड़ दे तो छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रभु हर समय उपस्थित रहकर न वो ऊँगता ना सोता बल्कि जागृत रहकर मेरी और आपकी सहायता के लिए हर समय उपस्थित रहता, वो प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर की दाहिनी ओर हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने के लिए तैयार है। जो लोग उसकी उपस्थिति में आकर उससे प्रार्थना करते, उसके उसके छाया स्थान पर अर्थात कलीसिया में आत्मिक सहभागिता में जमा होकर बैठे रहते हैं, वो इब्रानियों 10:25 के आधार पर ओ संगति में लिखा अंतिम दिनों संगति करना मत छोड़ना, प्रभु की उपस्थिति तुम्हें सुरक्षित रखेगी और सब प्रकार की शांति से तुम्हें हाँ क्या भरपूर रखेगी। परमेश्वर की अद्भुत योजना का भाग जब परमेश्वर मेरे को और आपको देना चाहता है तो मेरे को और आपको ये समझने की जरूरत है
जहां परमेश्वर इस अद्भुत भाग को मेरे को और आपको देगा और मेरा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा और मैं और आप प्रभु की उसकी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। आपको मालूम है अब्राहम के बारे में मैंने कहा था 99 को हो गया, प्रभु ने कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उसकी उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में जितनी प्रतिज्ञाएं जितनी योजनाएं उसने बताई उनको पूरी करके मेरे को और आपको महिमा के उस योजना के भाग में उन सारे समायोजन को उस भरपूरी को जो दानों वरदानों से और फलों से भरपूर्ण है, इवन प्रतिज्ञाओं की पूर्ति के साथ प्रमाणों के साथ जिसमें मुकुट मेरे और आपके लिए रखा हुआ है, उन सारी बातों को परमेश्वर प्रदर्शित करने पर है। आज कितने लोग विश्वास के साथ आप परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, कितने लोग ये कह रहे हैं हाँ प्रभु आपकी उपस्थिति का होना बहुत आवश्यक है, उसको उपस्थित जानकर चलना। नहीं प्रभु आप नहीं चलेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मूसा ने कहा हाँ लाखों लोगों को लेके चल रहा था, बताइए मैं और आप आज दो चार लोगों के साथ छोटे छोटे ग्रुप में होकर भी आज कलीसिया रूपी प्रभु ने समूह दिया उसमें साथ चलने के लिए भी बहुत से लोग होते हैं और बहुत नहीं रहते हैं, मगर प्रभु कहता याद रखो मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध। आपको मालूम है जो लोग उपस्थिति में नहीं चले थे, यरियो की दीवाल जब गिरी तब कितने लोग थे लिखा है, बहुत से लोग पहली बार थे, दूसरे दिन चले, तीसरे दिन चले, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन, सातवें दिन, सातवें चक्कर में बहुत से लोग हैं अनुपस्थित हो गए, और जो लोग चले उनके सामने वो दीवार गिर गई और वे कनान देश की ओर अग्रसर हो गए। प्रभु ने जीत के साथ उन्हें ले चला, सारी बड़ी बड़ी दीवारों को, आज समस्याओं को, बीमारियों को, रुकावट को, बाधाओं को दूर कर दिया उसने, किसे साथ चलकर केवल जय जयकार करने से। आज भी प्रभु की उपस्थिति में जितने लोग आज साथ होकर कलीसिया रूपी उपस्थिति जो परमेश्वर ने आत्मिक रूप से हमें जोड़कर एक परमेश्वर ने अपने परिवार में दिया हुआ है, ऐसी उपस्थिति का साथ की वो आत्मा हर समय हमारे बीच में उपस्थित रहता, विशेषकर सहभागिता में होकर अपनी सहभागिता देते हैं, तो लिखा ये सहभागिता मेरे और आपके जिनमें मेरे विश्वास को बढ़ाकर वो आश्वासन देती है, वो शांति के साथ उन प्रतिज्ञाओं की पूर्ति का के लिए उत्साहित करती है, आशान्वित करती है, अपेक्षित करती है कि जितनी बातें प्रभु ने कही है वो बातें हाँ और आमीन के साथ पूर्णता के लिए मेरे और आपके लिए उपलब्ध है, और परमेश्वर अपनी योजना में इन बातों को मेरे और आपके आत्मिक प्रयोजन में, आत्मा के नवीनीकरण में, जो परमेश्वर दिन प्रतिदिन नए और नए और नए करते चले जा रहा, यदि कोई मसीह यीशु में तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। आज प्रभु इन नई बातों को मेरे और आपके जीवन में करने पर है, तो मैं और आप कितने लोग इस अद्भुत अलौकिक सत्य को जानकर मानकर उसको प्रभु की उपस्थिति पवित्र आत्मा की उपस्थिति में और ये जानकर कि वो जहाँ भी है उपस्थित रहता है, मैं और आप डरते और कांपते हुए आदर और भय के साथ मैं और आप अपने जीवन में चले, वो उसका डर भय मेरे और आपके जीवन में पूर्णति से शांति सुरक्षा और सब प्रकार की सांत्वना मेरे को और आपको प्रदान करेगा, रेस्ट प्रदान करेगा। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, उसमें सिद्धता आएगी, उसमें जय मिलेगी, इनको जय मिले। यरियो की दीवार गिर गई, आज भी कोई भी दीवार मेरे को और आपको रोके हुए, बीमारियां हो, परेशानियां हो, कमी घटियां, उसे दूर कर देगा परमेश्वर। सब प्रकार की इन योजनाओं को मेरे और आपको देने के लिए तैयार है। आप देखिए जिस प्रकार से निर्गमन के 40 उसकी 34वीं आयत में लिखा हुआ है वचन में कि परमेश्वर ने जो तंबू और मंदिर बनाया था, बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। हालेलुया। देन ए क्लाउड कवर्ड द टेंट ऑफ द कांग्रीगेशन एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड फिल्ड द टैबरनेकल। और जब वो वहां पे ठहर गया तो क्या हुआ लिखा है, वहां पर अद्भुत महिमा छा गई। महिमा से भरे हुए जीवन में प्रभु मेरे को और आपको ले जाना चाहता है। लिखा मंदिर में निवास करने वाला, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और मैं उसमें रहूंगा और चलूंगा फिरूंगा, और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो इसमें तुम्हें सांत्वना के साथ सब कुछ मैं तुम्हारे लिए मुहैया कराऊंगा। और उस मंदिर में प्रभु की महिमा छाई रही और अद्भुत अलौकिक बातें जिन्होंने सोचा तक नहीं, देखा तक नहीं, सुना तक नहीं, वो बातें परमेश्वर ने उनके लिए कर उपस्थित रखी और उन बातों को वो प्रकट करता रहा। आज भी प्रभु इन अद्भुत बातों को मेरे और आपके जीवन में दिखाने के लिए तैयार है। आज कितने लोग इन बातों को मान रहे हैं और कह रहे हैं हाँ प्रभु इस तरह से चलेंगे, उसकी उपस्थिति में चलने के सहारे वो प्रभु अद्भुत से अद्भुत चमत्कार करता रहा और अद्भुत महिमा की बातें हुई। जितने लोगों ने सातवें दिन के सात चक्कर चलते चले जाओ और केवल जय जयकार करना, जय तुम्हारी है, दीवार गिर जाएगी, दुश्मन हार जाएंगे, जो बड़े बड़े दिख रहे हैं अगर हो हाँ धाराशाही हो जाएंगे और प्रभु तुम्हें कनान देश की ओर, स्वर्गीय देश की ओर, जिसमें मेरे को और आपको वादा किया, ले जाने के लिए तैयार है। आइए हम एक और आयत पढ़ें जिससे आपको समझ में आए। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 63 आयज़या 63:9 वहाँ पर यदि आप पढ़ें यशायाह उसकी 63वें अध्याय उसकी 9वीं आयत में यदि आप पढ़ें तो आपको ये बात समझ में आएगी। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सन्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया और प्रेम और कोमलता से
उसने आप ही उनको छुड़ाया और उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों से जिनसे वो प्यार करता है, जिनको वो छुड़ाता है, उनके लिए वादा किया है। साफ शब्दों में कहता है, सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया, सारे संकटों में प्रभु साथ रहकर आपको लेता चल रहा है। उसके सन्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। दूत की सेवा जो हमारे लिए उपलब्ध है, वो मेरे और आपके उद्धार के इस बड़े कार्य में सहायता प्रदान कर रही है। वो भी किससे? प्रेम और कोमलता से। उसने आप ही उनको छुड़ाया, बड़े प्रेम के साथ, अगापे प्रेम, जो मानवीय प्रेम नहीं बल्कि अलौकिक प्रेम, अगापे प्रेम, सामर्थ्य प्रेम, सर्व सामर्थ्य प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। और छुड़ाया ही नहीं बल्कि उसने उठाया। अब समय आया हमारी सफलता का, हमारी उन्नति का, हमारी संपन्नता का, हमारे उठाए जाने का, हमारे बढ़ाए जाने का, हमारे प्रमोट किए जाने का और अद्भुत महिमा को दिखाने के लिए। और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। प्रभु सदा का परमेश्वर, प्रभु थोड़े समय का नहीं है। जिस समय से मेरा और आपका उद्धार किया, अब से लेकर अनंत तक की योजनाओं मेरा और आपका साथ देने का वादा किया है। ओ प्रभु कहता सदा के लिए। वो परमेश्वर की उपस्थिति, जो लोग आज उसकी उपस्थिति को प्रिय जानकर कलीसिया रूपी वादे को, जो परमेश्वर ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उसमें उपस्थित रहकर अपनी अद्भुत महिमा को पूरा करूंगा, केवल इतना ही नहीं करूंगा कि उन्हें संकट और क्लेश में उनको उठा के लेके चलूंगा, बल्कि मेरा दूत उनको उद्धार के मार्ग में सहायता मदद प्रदान करेगा और प्रेम और कोमलता से अपने आप उनको छुड़ाते हुए, प्रेम के साथ और कोमलता के साथ उनको छुड़ाते हुए उन्हें उठाऊंगा, उनको संपन्नता दूंगा, सफलता दूंगा, प्रमोट करूंगा, आगे बढ़ाते हुए अपनी महिमा दिखाऊंगा। वो भी प्राचीन काल से सदा तक उनको लिए फिरा। आज भी परमेश्वर का वादा है, मैं ऐसा ही करूंगा। वादों का सच्चा परमेश्वर है और मेरे और आपके सब कुछ करने के लिए तैयार रहेगा। आज कितने लोग आज प्रभु को उपस्थित जानकर चल रहे हैं। प्रभु ने कहा प्रभु की उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आज उसकी उपस्थिति मेरे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं पर मेरे पर सुरक्षा है, वहीं पर जय है, वहीं पर विजय है, वहीं पर प्रभु की महिमा निवास करती जा। सब कुछ प्रभु मेरे को और आपको देने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि अद्भुत महिमा का भाग मेरे और आपके जीवन में हो। जल्दी से दूसरी जगह देखें, ये विश्राम या आराम और किसी परिस्थिति में, ठीक है प्रभु उपस्थित जानकर चलेंगे, हम कोशिश करते हैं, हर समय आप साथ हैं। आप कहते हैं ओ तुम भले विश्राम कर लो, मगर मैं विश्राम नहीं करता, मैं हर समय तुम्हारे साथ रहकर अपनी शांति, अपनी सब प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तुम्हारे साथ रहता हूँ। हालेलुया। आइए दूसरी बात, मगर आप कहेंगे परेशानी परेशानी परेशानी, इन दिनों में परेशानी बढ़ती चली जा रही है, वो सारी समस्याएं बढ़ती चली जा रही, प्रभु हम कैसा करें, कैसे क्या करें। जब आप भजन संहिता उसका 55 साम 55 में चलें, उसकी 6वीं आयत को, तो आपको समझ में आएगा। भजन संहिता 55 उसकी 6 आयत को जब आप देखें तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और मैंने कहा भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम होता। कबूतर के से पंख होते मैं उड़ जाता और विश्राम करता। आज परेशानियों ने क्या कर दिया है, बहुत दुखित कर दिया है, बहुत ही है ना परेशान कर दिया है। मगर प्रभु क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, प्रभु मेरे और आपके जीवन में बहुत सी परेशानियों के समय में प्रभु क्या करना चाहता है। जब आप देखेंगे हमारा परमेश्वर किस प्रकार का परमेश्वर है, व्यवस्था विवरण में वो बातें साफ शब्दों में लिखी हुई है, जहाँ प्रभु ने क्या कहा। हाँ आपको मालूम है व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय उसकी 29वीं आयत में, 429 ऑफ ड्यूटरोनॉमी, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, परेशानी में भी लिखा, संकट और क्लष्ट के समय में जो मुझे पुकारते हैं, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर, भजन 50:15 के आधार पर आज हमको अति सहज से मिलने वाला, हाँ उपलब्ध परमेश्वर, यहां पर व्यवस्था विवरण 4:29 में लिखा हुआ है, पर वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर या परेशानी में भी, मुसीबत में भी, बीमारी में भी, कमजोरी में भी, दुख सुविधा में भी, हानि में भी, किसी परिस्थिति में भी, लिखा है यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, कोई भी परेशानी क्यों ना हो तो वह तुमको मिलेगा। हालेलुया। मांगोगे ढूंढोगे तो तुम पाओगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यहाँ पे लिखा परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे और वह तुमको मिल जाएगा। शर्त है, एक शर्त, कौन सी शर्त है, शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। मन सबसे धोखेबाज है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, नीति वचन 4:23 के आधार पर, यर्मिया 17:9 के आधार पर वो सबसे धोखेबाज है। मगर प्रभु ने यह भी कहा कि पूरे मन से जो मेरे पास आएंगे और सारे प्राण से मुझे ढूंढेंगे उनको मैं निश्चित रूप से मिलूंगा। मत्ती 7:7 में लिखा, ढूंढोगे
पूरे मन से और मैं निश्चित रूप से मिलूंगा। हालेलुया। सच में प्रभु आज भी लोगों को सबको दिलाने के लिए तैयार है। ढूंढ रहा था गदिया ढूंढने, शाऊल गया था, कैसे प्रभु के दास ने कहा उधर चलना, प्रभु के दास मिलेंगे वहां पे तुझे गदी मिल जाएगी, वहां पे प्रभु के दास लोग मिलेंगे, वहां पे प्रभु अद्भुत काम तेरे जीवन के लिए करेगा। आज परेशानी की अवस्था में जो आप, आपकी कोई चीज खोई हुई आप खोज रहे हैं, वहां पर कितना बड़ा हुआ, सबसे पहले राजा का अभिषेक किया गया, ये शाऊल गदिया ढूंढने निकला था, मगर कैसे परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किया। आज भी प्रभु कहता है यदि आप पूरे मन से ढूंढेंगे और सारे प्राण से, आपका प्राण धक धक ना करे, आपका मन भटके नहीं। आज परेशानी कारण क्या करे, हमारा प्राण घबरा रहा है, हम हमारा मन भटक रहा है, हम ये करें कि वो करें, प्रभु कहता है ऐसा नहीं करना। प्रभु कहता परेशानी में आराम देने वाला हमारा जीवता परमेश्वर है। साफ शब्दों में कहता परमेश्वर यहोवा को ढूंढेंगे, प्रेमी परमेश्वर को, तो निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि पूरे मन से और सारे प्राण से खोजेंगे। जितने लोग भी उसे पूरे मन से सारे प्राण से खोजते हैं परमेश्वर उनको निश्चित रूप से मिलता है। आप मान के चलें परमेश्वर हमारा भला है। दूसरा इतिहास में अगर हम पढ़ें, दूसरा इतिहास उसकी 15वें अध्याय उसकी दूसरी आयत में एक राजा है, देखिए क्या कर रहा है। दूसरा इतिहास 15:2 वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन्होंने जो यहोवा से विश्वासघात किया, वहाँ पर परमेश्वर कहना चाहता है कि उस परेशानी में खोज करोगे तो मैं तुमको मिलूंगा, ऐसा परमेश्वर ने वादा किया। और वो हमसे कहता है कि मैं अद्भुत रीति से इन बातों को तुम्हारे लिए पूरा करना चाहता हूं। हालेलुया। दूसरा इतिहास 15वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, और वो आशा से भेंट करने निकला, कौन, प्रभु का दास, अभिषिक्त दास, आत्मा से भरा हुआ। हाँ, वो अजरिया में जब परमेश्वर का आत्मा आया, वो आशा से भेंट करने लिख रहा, उसने कहा हे आशा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, पहले तो खोजोगे, दूसरा परेशानी में आराम प्राप्त करने के लिए आपको खोजना ढूंढना और साथ में रहना अत्यंत आवश्यक है। मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा, यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। प्रभु ने वादा कर दिया। इस गीत को भी गाते, भजन 42 को हम हर समय याद रखते हैं, और दाऊद ने भी इन बातों को साफ शब्दों में कहा, वो साथ रहा, वो खोजता रहा, साथ साथ रहा, और सच जो परमेश्वर अद्भुत महिमा को दिखाया। आज भी प्रभु कहता परेशानी में प्रभु का साथ मेरे और आपके लिए सब कुछ उपलब्ध करेगा। आसा राजा को, यहूदी लोगों को, बिन्यामीनों को, सबको कह दिया, यदि तुम उसके संग रहते हो, उसकी खोज करते हो, उसके साथ रहोगे और उसकी खोज में लगे रहोगे तो वो तुम्हारे साथ रहेगा, मगर यदि तुम उसे त्याग दोगे, उसे भूल जाओगे, उसे छोड़ दोगे तो छोड़ देगा। परेशानी में भी प्रभु को स्मरण रखे। प्रभु ने कहा हर समय में मैं तुम्हें मिलने वाला जीवता परमेश्वर हूँ। भजन संहिता 32 उसकी 6वीं आयत में देखिए, ऐसा परमेश्वर बार बार हमें अलग अलग समय में, जो दाऊद राजा वो किसा था 32 उसकी 6, साम 32:6 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है, निश्चय कि जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी इस भक्त के पास तक नहीं पहुंचेगी। ओ प्रभु कहता है कुछ भी हो जाए, हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। आज जब लोग परेशानी में प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु निश्चित रूप से प्रार्थना सुनेगा। लिखा उस पर जल की बड़ी बाढ़ भी आए तो भी इस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी। प्रभु सुरक्षा के साथ मेरे और आपके लिए सब कुछ करेगा। जितने लोग परेशानी में प्रार्थना करना ना छोड़े, प्रार्थना वो जीवन की सांस है जो हमारे संबंधों को प्रभु से बनाए रखती है, और आत्मा की उपस्थिति में उसका साथ मेरे को और आपको जोड़े रखता है कि अद्भुत महिमा की बातों को मेरे और आपके जीवन में सदा बहाता रहे। इसलिए मत्ती 11:28 में बार बार, है ना, हम लोग सबको मालूम है मत्ती के 11वें अध्याय उसकी 28वीं आयत में साफ शब्दों में प्रभु क्या कहता है, हम सबको याद रहता है, इस सब परिश्रम करने वाले और बोझ से थके दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पहला प्रभु की उपस्थिति की खोज, दूसरा उसके पास आना है, खोज करते हुए उसके साथ रहना है, संग संग रहना, साथ रहना, तभी इम्मानुएल परमेश्वर मेरे और आपके परेशानी में सच्चा आराम देने के लिए प्रभु हर समय मेरे और आपके लिए उपस्थित है। वो चाहता है कि अद्भुत महिमा की बातों को मेरे और आपके
जीवन में प्रकट करे, क्योंकि यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में साफ शब्दों में कहता है, आयज़या 54:13, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। जब आप परमेश्वर के खोजते हुए उसके साथ रहेंगे, उसके संग रहेंगे, तो सब लड़के वालों को, सब परिवार को, सब बच्चों को, सब विश्वासियों को सिखलाए हुए होंगे। परमेश्वर उन्हें सिखलाता जाएगा, बिना बताए बिना सिखलाए कुछ नहीं करेगा, प्रभु ने वादा किया। और प्रभु आज अभिषिक्तों के माध्यम से इन बातों को सिखला रहा और बता रहा, जितने लोग सीखते हुए इन बातों को लिख रहा उनको बड़ी शांति मिलेगी। इंग्लिश में, ऑल द चिल्ड्रन शैल बी टॉट ऑफ द लॉर्ड एंड द ग्रेट शैल बी द पीस ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों के लिए शांति बड़ी होगी, अलौकिक होगी, बहुगुणित मात्रा में होगी। इसलिए मेरे को और आपको घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि मैं और आप प्रभु में विश्वास करते तो प्रभु कहता, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, प्रभु मेरे और आपके लिए अलौकिक शांति के साथ अपनी सहायता देने के लिए तैयार है। हालेलुया। ओ सचमुच में ये दूसरी बात जो मैंने बताया, पहला प्रभु को उपस्थित जानकर चलिए, पवित्र आत्मा को सदा उपस्थित रखिए, वो हर समय साथ रहेगा। दूसरा, परेशानी में भी उसे पुकारिए, उसकी खोज करिए, उससे प्रार्थना करिए, उसके साथ साथ रहिए। निश्चित रूप से परमेश्वर सब प्रकार की सुविधा के साथ, सुरक्षा के साथ, सब प्रकार की महिमा की बातें तुम्हारे जीवन में करेगा। आशा के लिए सुंदर इंतजाम किया सबके लिए, जो बातें मैंने आपको बताया, आप देखिएगा परमेश्वर कैसा अद्भुत है। आप कहेंगे, प्रभु मैं तो सच्चाई में चल रहा हूँ, क्या सच्चाई में भी कुछ कुछ बातें होती है? भजन संहिता में चलें, मैं फिर से एक कहावत आपको बताऊंगा, जो लोग सच्चाई में है, एक ही तो सच है, मार सच्चे जीवन में ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है, हैं, वो क्या करेगा और मेरे पीछे हो लेगा, तो उसके जीवन में सब कुछ आनंदी होगा। आइए हम भजन संहिता उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। भजन संहिता 116 उसकी 7वीं आयत में देखिए क्या लिखा वचन में, भजन संहिता 116:7, वहाँ पर, हे मेरे प्राण तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। आज परमेश्वर इतने उपकारों के साथ, इतनी भलाइयों के साथ, इतने अद्भुत बातों के साथ मेरे और आपके लिए सब कुछ कर रहा है, तो क्या मैं और आप प्राण के साथ विश्राम स्थान में लौटे हैं? मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, ये विश्राम का स्थान है, ये तसल्ली का स्थान है, ये सांत्वना का स्थान है, ये शांति का स्थान है, जहां प्रभु इस समय कहता है, काम डाउन एंड सी द ग्लोरी ऑफ गॉड फॉर योर लाइफ। अपने जीवन में शांति के साथ प्रभु की अद्भुत महिमा को देखो। जब लॉकडाउन का समय है, परमेश्वर कहता है ये शांति के साथ प्रभु की उपस्थिति में रहना। परेशानी में है तो भी प्रार्थना के साथ खोजते हुए उसकी संगति में रहें। तीसरी बात जो हमने कहा, सच्चाई यदि मिल गई है तो भी हम, कोई भी परिस्थिति हमारे साथ क्यों ना हो, हाँ, हमारे प्राण भी विस्मित हो गए, घबरा गए हैं, डरे हुए हैं, तो भी लिखा है, मेरे प्राण तू अपने विश्राम स्थान में लौटा। हमारा विश्राम स्थान कलीसिया है, चर्च ऑफ गॉड सपेला, जहाँ पर मैं और आप आत्मिक रूप से जन्माए गए, उस स्थान में रहकर ही हम आत्मिक रूप से, जिसमें सब प्रकार की भलाइयाँ, चमत्कार, छुटकारे से लेकर सब आशीषें, बढ़ोतरी, संपन्नता, ऊंचाइयाँ और सब प्रकार की भरपूरी की आशीषों को परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दिया है। जहाँ पर परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए उपकार किया, द लॉर्ड हैड डेल्ट बाउंटीफुली विद, जहाँ पर प्रभु ने अद्भुत रीति से मेरे और आपके चमत्कार किए, वो यही जगह थी। इसी कलीसिया के माध्यम से, इसी जगह पर रहकर परमेश्वर ने अद्भुत आशीष दी है। यहीं पर रहना, इस सच्चाई में रहकर ही मेरे और आपके लिए सब कुछ बातें पाई जाती है। आप जान के चले, परमेश्वर हमसे साफ शब्दों में कहता है, लौटा। आज बहुत से लोग लौटे नहीं है, प्रभु कहता है, लोग मैं इधर से कोशिश, मैं उधर से कोशिश, मैं इस तरह से, नहीं नहीं, प्रभु ने मेरे और आपके लिए जो जगह और जो स्थान और जो परिवार रखा है, वो उसी स्थान से प्रभु अद्भुत महिमा को मेरे और आपके लिए करना चाहता है। इसी भजन संहिता की 40वें अध्याय को पढ़ें, भजन 40 उसकी 10वीं आयत को, तो आपको समझ में आएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है। चुप जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं, सब जातियों में, पृथ्वी भर में जो कुछ भी, उन सब में महान मैं ही हूं। Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen and I will be exalted in the earth. अन्य जातियों में कोई भी, वो सब बातों में मैं ही महानता को तुम्हें दिखाऊंगा, एक्सॉल्ट किया जाऊंगा, और इस दुनिया में सारी बातों में, मगर तुम्हें क्या करना है, हम विश्वासियों को क्या करना है, हाँ, इस सच्चाई को पाने वाले को क्या करना है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। हाँ, क्या करें, चुप जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। हाँ, मैं और आप सब जानते हैं हमारा परमेश्वर, प्रभु कहते हैं चुप जा, बी स्टिल, कम एंड क्वाइट
एंड सी द ग्लोरी ऑफ गॉड, हिज ग्रेटनेस, उसकी महानता को जो सारी जातियों में पृथ्वी पर महान है, उसको प्रभु दिखाने पर है और वो दिखा रहा है। प्रभु कहता है मेरे लोगों, शांति के साथ उस बड़ी अद्भुत महिमा की बातों को जो तुम्हारे जीवन में ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, तुम्हारे जीवन में उत्पन्न कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू एटमॉस्फेयर गॉड इज क्रिएटिंग इन आवर लाइफ, उसके लिए हम शांति के साथ चुप होकर परमेश्वर के सम्मुख बैठे रहें, ठहरे रहें, उसी को अपना आधार बना ले, उसी को उसी में हम लिपटे रहें, जिससे प्रभु की महिमा होने पाए। जिसी के 62वें भजन की पहली आयत को भी पढ़ें, वचन में लिखा है जो लोग शांति के साथ प्रभु की उपस्थिति में कलीसिया को अपना आधार बनाकर बैठे हुए हैं, यही वो जगह प्रभु कहता चुप हो जाओ, कभी कभी चुप हो जाकर शांत रहकर भी प्रभु अद्भुत महिमा को दिखाता। जब इस लॉकडाउन में हम चुप बैठे हुए हैं, हम चाह रहे प्रभु खुल जाए कि अद्भुत महिमा की बातें होने पाए। इन दिनों में कोई भी कोरोना चले, वायरस चले, महामारी चले, कुछ भी चले प्रभु, मगर आपके लोग अद्भुत महिमा में चलाए जाएं, और अद्भुत महिमा का वो स्तर और वो घर जो कलीसिया रूपी हो प्रभु आपने बनाया कि मैं बनाऊंगा परिवार, और उसमें किसी प्रकार अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। हर युक्तियां जो इसको रोकने का प्रयास करती है, इसको दूर करने के लिए जो हम प्रार्थना में लगे हुए हैं, प्रभु कहता है चुपचाप। 62 भजन संहिता 62:1, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। ट्रूली माई सोल वेटेथ अपॉन गॉड, फ्रॉम हिम कमेथ माई सल्वेशन, मेरा उद्धार वहीं से होता है, इसलिए मैं क्या करूंगा, चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए रहूंगा। आज कलीसिया में मैं और आप जमा होकर जब अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए हुए हैं, चुपचाप रहकर, शांति से चुप होकर, स्टिल रहकर, बी काम एंड क्वाइट एंड सी योर सल्वेशन, अपने उद्धार के इस बड़ी योजना को जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में क्या कर रहा है, पूरा करता चला जा रहा है, उसकी ओर शांति से देखने की जरूरत है। आज प्रभु मेरे और आपके जीवन में इन बातों को दिखाना चाहता कि मैं और आप अद्भुत रीति से अद्भुत महिमा की बातों को देख सके। आइए भजन संहिता 131 उसकी दूसरी आयत को यदि पढ़ें तो मेरे को और आपको प्रभु कुछ और बातें बताता है क्या करना। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। दाऊद भी अपने जीवन में बहुत परिस्थिति में था, मगर क्या रहा, चुपचाप रहा, शांत रहा। वही समय मेरे और आपके लिए, मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसे दूध छुड़ा हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ा हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। दूध छुड़ा हुआ लड़का माँ की गोद में शांति से रहता है, वैसे ही मैंने अपने मन को शांत और चुप कर लिया है। आज कितने लोग अपने मन को शांत और चुप करके परमेश्वर पर लगाए हुए हैं। आज कितने लोग चाहता है कि अपने मन को इधर उधर मत भटकाइए, चुप करके प्रभु पर लगाइए, जिससे कि प्रभु की अद्भुत महिमा का अद्भुत भाग मेरे और आपके जीवन में रहने पाए, और ये अद्भुत प्रक्रिया मेरे और आपके जीवन में चलती रहे। ओ प्रभु चाहता है, आज कभी कभी ये परिस्थितियां मेरे को और आपको बता रही, प्रभु कब तक, कैसा, कब, कैसा। प्रभु कहता है भजन 142 उसकी 7वीं आयत में, भजन संहिता 142:7, साम 142:7, मुझको बंदीगृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। Bring my soul out of prison, कोई सा भी प्रिजन, किसी प्रकार का बंधन यदि आज आपको लग रहा है, हैं? उसे निकाल लेने के लिए यदि आप रात, मुझको बंदीगर से निकाल कि मैं तेरे नाम कर, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद कर, मैं तेरी महिमा करना चाहता हूँ। प्रभु निकाल दीजिए, लॉकडाउन खोल दीजिए, हम कलीसिया में उपस्थिति में आपसी परिवार में आत्मिक एकता में होकर आपकी महिमा करना चाहते हैं। प्रभु कहता मैं ये काम करने पर, मुझको बंदीगर से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूँ। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे लिखा है, हाँ क्या लिखा है, द राइचस शैल कंपास मी अबाउट। धर्मी लोग चारों ओर आएंगे, मतलब प्रभु हमें अवसर दे रहा है, निश्चित रूप से मान ले परमेश्वर बहुत ही जल्द हमारे लिए सब कुछ खोल कर अवसर देगा, और हम धर्मी आपस में मिलकर अपने जीवते परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, और वो बातें जो हमने मांगा और चाहा है उससे बढ़कर परमेश्वर मेरे और आपके लिए अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, प्रभु इन कामों को करने के लिए तैयार है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। चुप हो जाओ और शांति के साथ मेरे उद्धार के, मेरी महिमा के छुड़ाए जाने के लिए, इस प्रिजन से, इस बंधन से तुमको छुड़ा कर धर्मी लोग क्या करेंगे, जो हमने भी पढ़ा, हाँ मेरे चारों ओर आएंगे क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। प्रभु की अद्भुत महिमा की अद्भुत बातों के साथ मेरे और आपके लिए सब दरवाजे खोलने के लिए तैयार है। मैं और आप विश्वास करें, परमेश्वर हमसे अद्भुत महिमा की बातों को चाहता है, और वो चाहता है कि ये अद्भुत महिमा की बातें मेरे और आपके जीवन में चलती रहे, और मैं और आप अद्भुत महिमा का कारण बने, क्योंकि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, मत्ती के 11:29 में लिखा है, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रभु के पास आकर प्रभु का जुआ उठा लो, टेक माई योक अपन यू एंड लर्न ऑफ मी, फॉर आई एम वीक एंड लोली इन हार्ट एंड यू शैल फाइंड रेस्ट अन टू यूर सोल्स। तब जाकर अपने प्राण में आप विश्राम पाएंगे।
मेरा जुआ उठा लो, अर्थात कलीसिया में जमा होकर, साथ में होकर, उसकी उपस्थिति में होकर, इस सच्चाई का दामन थाम कर यदि उस जुए को उठाकर हम चलेंगे तो प्रभु क्या कहता है, हाँ उससे सीखो, मैं कैसा मन में नम्र और दीन हूं, तो तुम अपने मन में विश्राम, मन की नम्रता और दीनता के साथ प्रभु विश्राम का वादा करता है। ओ प्रभु कहता, मैं ये अद्भुत अलौकिक बातों को तुम्हारे जीवन में देने पर हूं। आज कितने लोग इन बातों को चाहते हैं, हाँ प्रभु चाहता है कि सच्चाई की बातों में मैं अद्भुत साथ तुम्हें दूंगा और तुम्हारे जीवन को लेता चले जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ सचमुच में आप कहेंगे नहीं ये बात तो ठीक है, हम सच्चाई में चल रहे हैं, मगर लॉस बहुत हो रहा है, सब बातें रुक गई है, हानि हानि की चर्चा हो रही है। तो आप देखिए एक्सोडस निर्गमन की पुस्तक, एक और बात आप देखेंगे जिससे आपको समझ, निर्गमन 14वां अध्याय उसकी 14वीं आयत को, 14th verse को यदि मैं और आप पढ़ें, तो प्रभु ने पहले ही कहा था, क्या कहा था, मैं आप ही तुम्हारे लिए लड़ूंगा और तुम्हें क्या करूंगा, तुम चुपचाप रहो, जो कुछ करना है हमारे लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह करेंगे, वो जीवित रूप में आत्मा के सर्वसमर्थ रूप में उपस्थित है, अद्भुत महिमा को दिखाने का समय आ गया। अब प्रभु कहता चुपचाप रहो और खड़े खड़े उद्धार के काम को देखो, अपने विजय को देखो। हम बाइबल में कितने समय पढ़ चुके हैं, राजाओं की पुस्तक में, इतिहास की पुस्तक में, सब राजाओं ने जैसे जैसे प्रभु को स्मरण करके उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थनाओं को रखा और प्रभु को उपस्थित जानकर चले, लिखा मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम खड़े खड़े अद्भुत जिसे अद्भुत विजय के कार्य को देखो। और वे खड़े रहे और अद्भुत जिसे देखा कि दुश्मन मारे गए और सचमुच में उनको जीत में बटोरने का समय नहीं, इतनी आशियों के साथ वो लौटे और अद्भुत महिमा का काम करने लगे। आज भी प्रभु कहता है जितने लोग को हानि हो रही है बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, तीनों तरफ से चारों तरफ से अगर सेना ने घेर भी लिया तो भी प्रभु विजय पक्की करता है। ओ प्रभु आप ही चाहेंगे तो हम रहेंगे, नहीं तो प्रभु हम जीत के साथ आगे बढ़ेंगे, सफलता हमारी है, प्रभु आपने विजय के साथ सब कुछ दे दिया है। लिखा प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ विजय के साथ मैंने तुम्हें दे दी है, इफिसियों 1:7 के आधार पर लिखा प्रभु यीशु मसीह में सब आशीष मैंने तुम्हारा नाम कर दिया है, सफलता हमारे नाम कर दिए, सब पूर्णता का जीवन, सफलता का जीवन, संपन्नता का जीवन, महिमा का जीवन प्रभु ने मेरे और आपके लिए कर दिया है। मैं और आप विश्वास के साथ आगे बढ़े, आप हानि में ना डरे, इस जीवन की परिस्थिति में प्रभु कहता है ओ जय, हानि का लाभ ही मेरे और आपका जीवन है, सब हानि प्रभु ने उठा ली कि मेरे को और आपको जय मिली। आपको मालूम है जब वो लोग चल रहे थे, यदि आप यहोशू की पुस्तक पढ़ें उसका पहला अध्याय उसकी 13वीं आयत को, तो आपको समझ में आएगा वहां पर क्या लिखा मालूम है आपको, जो बात यहोवा के दास मूसा ने तुमसे कही थी कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है यही देश तुम्हें देगा, उसकी सुधि करो। हालेलुया। रिमेंबर द वर्ड विच मोसेस द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड कमांडेड यू सेइंग द लॉर्ड योर गॉड हैथ गिवन यू रेस्ट एंड हैथ गिवन यू दिस लैंड। रेस्ट के साथ लैंड दिया, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अपने अलौकिक देश की ओर ले जा रहा हूं, है ना, स्वर्गीय देश में प्रभु को ले जाने वाला है, रेस्ट के साथ मेरे को और आपको अद्भुत योजना में तैयार कर रहा, इसलिए मैं और आप ना घबराएं, प्रभु का नाम बहुत ही निकट है, सारे चिन्ह इस बात को बता दिए, मगर प्रभु क्या कहता है इसके लिए तुम्हें क्या करने की जरूरत है, कि किस प्रकार से उसने मूसा से एक बात कही थी कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है, दे रहा है और देता है, यही देश भी तुम्हें देगा, इसकी सुधि करो। हाँ क्या करो, हाँ जी हाँ बोलिए क्या करो, इसकी सुधि करो। हाँ ये लैंड दे रहा है मेरे को और आपको, इसको रिमेंबर करो, इसको याद करो, परमेश्वर वादों का सच्चा और सच्ची उसकी जात है, वो पूरा करने वाला है, उसने कहा और वो बातें पूरी हो गई। आज भी प्रभु इन बातों को मेरे राम के जीवन में पूरा करने पर है। आज कितने लोग इसको मान कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, प्रभु मेरे राम के जीवन में कोई सी परिस्थिति क्यों ना हो मेरे राम के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि जरूरी है कि उसकी सेवा का राम, प्रभु कहता मुझसे सीखो मैं कैसा नम्र दीन हूँ, तब तुम विश्राम पाओगे। जितने लोग मसीह की सेवा में हैं परमेश्वर ने अद्भुत बातों को उनके जीवन में देने पर है, वो चाहता है कि अद्भुत बातों का प्रभाव उनके जीवन में हो और हम निरंतर आगे और आगे और आगे बढ़ते चले जाए। यर्मिया उसका 6वां अध्याय उसकी 16वीं आयत बहुत जरूरी, जो लोग मसीह की सेवा अभी भी करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं उनके लिए परमेश्वर क्या कहता है, यर्मिया 6:16 वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वचन को हम ध्यान से पढ़ें, 6:16 में यर्मिया में क्या लिखा है उसको हम ध्यान से सुने। यह वह यूं कहता सर को बढ़ खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे, पर उन्होंने कहा हम उस पर ना चलेंगे। जो लोग आज मसीह की सेवा के लिए जितनी अभिषिक्तों के माध्यम से जो जो रास्ता बताया जा रहा है उसमें चलने के लिए तैयार है, उसी में उनको क्या मिलेगा, लिखा है चैन मिलेगा तुम्हें,
इंग्लिश में अगर पढ़ें, सेड द लॉर्ड स्टैंड इन द वे एंड सी, आस्क फॉर द ओल्ड पाथ वेयर इज द गुड वे, द वॉक देयरइन एंड ये शैल फाइंड रेस्ट फॉर योर सोल्स, बट दे शेड वी विल नॉट वॉक इन देम। आज जितने लोग इस बात को मानने के लिए तैयार है, चाल में चलने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु ने विश्वासियों की चाल दी है, ओ प्रभु हमारे चाल चलन से प्रसन्न होना चाहता है, वो चाहता है कि इस चाल के अनुसार चलें, तो प्रभु अद्भुत महिमा की बातों को मेरे और आपके जीवन में देने के लिए तैयार है। आज कितने लोग इस बात को मान रहे हैं, प्रभु ने मेरे और आपके लिए ये बातों को कर दिया है, उसने साफ शब्दों में कह दिया है। पहला पत्रस उसके दूसरा अध्याय और उसकी 21वीं आयत पे साफ शब्दों में कह दिया है कि मैंने तुम्हें चल के बता दिया, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो कि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदत दे दिया कि तुम उसके चिन्ह पर चलो जो उसने बता दिया। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा उसके विशिष्टों के माध्यम से वचनों का मार्गदर्शन दूंगा, उन्हीं पर चलो, और जितने नहीं चलेंगे उनका बचना मुश्किल होगा। मगर प्रभु कहता जो लोग चलेंगे मसीह की सेवा में, जितने लोग इस बातों में चलने के लिए तैयार हैं, प्रभु अद्भुत महिमा की बातें उनके जीवन में पूर्ण करने के लिए तैयार है। हालेलुया। ओ प्रभु चाहता है कि इन अद्भुत बातों को मैं और आप पहचान लें। पहले यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसकी 6वीं आयत पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है, जहां प्रभु मेरे और आपके जीवन में इन अद्भुत बातों को कहना चाहता है। जो अद्भुत बातें हैं जो लिखा है, जो सो पहले यूहन्ना दूसरा अध्याय उसकी 6वीं आयत में, सो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा चलता था। मैं और आप जैसे चल रहे थे वैसे ही चलने का समय आ गया है। मैं और आप जब उसके साथ चलने लगेंगे तो मेरे और आपके जीवन में अद्भुत महिमा का भाग रहेगा। ओ लिखा है तब मेरी अद्भुत महिमा की बातें तुम्हारे जीवन में होगी। आज जितने लोग मसीह की सेवा में सम्मिलित हैं, प्रभु वादा करता है मैं उनके साथ इस प्रकार से रहूंगा, बशर्ते कि जो मैंने उनको बता दिया उसी चिन्ह पर चलें। तो यदि तुम उसे मानो तो मेरा साथ शांति के साथ विश्राम के साथ होगा, अन्यथा कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए चाल बदलने का प्रयास न करें। जो भी चाल परमेश्वर ने अंतिम दिनों में कलीसिया के लिए दी हुई है और प्रभु अभिषिक्तों के माध्यम से मार्गदर्शन देता हुआ प्रकाशन के साथ मेरे और आपको प्रशस्त कर रहा है, जैसे यीशु का स्वभाव था चाल चलन था वैसा तुम्हारा होने पाए, और जो बातें परमेश्वर बताता चले जा रहा उसमें चले, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत बातों को चाहता है कि मैं और आप इसे मानकर निरंतर चलते चलते चले जाए। इसलिए विश्वास की इस चाल में प्रभु मेरे और आपके लिए अद्भुत बातों को दिखाना चाहता है। ड्यूटरोनोमी व्यवस्था विवरण कि पहला अध्याय उसकी 33वीं आयत को यदि हम पढ़ें तो आपको ये बात समझ में आएगी जो प्रभु मेरे और आपके जीवन में बताता है। जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे। वाह, मेरे को और आपको कहाँ रुकना है ये वो देखेगा। यदि आप उसके साथ चल रहे तो आपको परेशान नहीं होना, मैं कहाँ रहूंगा, अगला पड़ाव कहाँ होगा, मैं कहाँ रहूंगा, कहाँ पे रुकूंगा, कैसे होगा। प्रभु कहता है ये सब काम मैं करूंगा, और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला ताकि तुमको मार्ग दिखाए जिससे वह तुमको ले चले। वाओ, दिन को बादल के रूप में और रात को आग में होकर परमेश्वर साथ में रहा। बताइए वो परमेश्वर हमारा बदला नहीं है, वो आजकल युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो कहता मेरे साथ साथ चलो, मैं तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हें लिए ढूंढ दूं और सब प्रकार से तुम्हारी रक्षा करते हुए कि तुम उसमें चलो और मार्ग दिखाता रहूं। प्रभु सब प्रकार से दिखाएगा। उसी की 34वीं आयत को भी यदि आप पढ़ें तो मेरे को और आपको ये बात समझ में आएगी, परंतु तुम्हारी ये बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा और उसने शपथ खाई 35वीं आयत में कि निश्चय इस बुरी पुड़ी के विषय में तो इस अच्छे देश को देखने ना पाएगा जिससे मैंने उनके पितरों के दिन एक शपथ खाई है। जब लोगों ने उसकी बात को नहीं माना, अपने मन से करने लगे, भटक गए, विश्वास से भटक गए। प्रभु जब ढूंढ कर मार्ग दिखाते हुए उनको डेस्टिनेशन पहुंचा रहा था। हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता, इसलिए मेरे को और आपको अपने तरफ से और कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। और जब हम ऐसा करेंगे तो प्रभु हमें मंजिल पहुंचाएगा और अद्भुत महिमा का भाग मेरे और आपके जीवन में होगा। प्रेरितों के काम में लिखा है जब पहली बार कलीसिया है जब हुई उसके तीसरे अध्याय में जब पत्रस प्रचार करने लगा, हम जानते वहां पर जब अद्भुत चमत्कार हुआ तब क्या नहीं लगे। 11वीं आयत में लिखा जब पत्रस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत अचंभा करते हुए सारे में जो सुलेमान का कला था उनके पास दौड़ आए। उन्होंने कहा पत्रस ने लोगों से कहा इसराइलियों तुम मनुष्यों पर क्यों अचंभा करते हो, हमारी ओर क्यों देख रहे हो, मानो अपनी सामर्थ्य और भक्ति से हमने चलता फिरता कर दिया। वो व्यक्ति लंगड़ा था उसे चल गया, यीशु के नाम से मैं तुझसे कहता हूँ उठर, वो चलने लगा और प्रभु की महिमा करने लगा। आज प्रभु अलौकिक शक्ति में जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, याद रखिए विश्वास में भी अलौकिक शांति सामर्थ्य के साथ
पुनरुत्थित सामर्थ, अलौकिक सामर्थ मेरे और आपके जीवन से चलेगी। अब वो समय प्रभु दिखाने जा रहा है, चंगाई या चमत्कार होगा। ये दिनों का समय जो कोरोना का समय, बीमारियों का समय, चंगाई या चमत्कार का समय है, ये समय प्रभु सामर्थ के साथ मेरे और आपके जीवन से दिखाने पर है। इसलिए मेरे को और आपको घबराना नहीं है, बल्कि मान के चलना। वही पत्रस में पेंतिकॉस्ट के दिन जैसे परमेश्वर का आत्मा उतरा और अद्भुत महिमा हो, वही महिमा की बातें परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में दिखाने पर है। मगर यदि आप बोझ से थके दबे लोगे हैं, मत्ती 11:28 में तो प्रभु कहता घबराना नहीं है। क्या कहता है? बोझ से थके दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा, विश्राम दूंगा। आज प्रभु इन अद्भुत बातों को मेरे और आपके जीवन में करने के लिए तैयार है, और प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग मेरे और आपके जीवन में करने के लिए तैयार है। यदि आप एक जरूर बात करो, प्रभु ने कहा था सब परिश्रम करने वाले बोझ से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। प्रभु हम लोग पास तो आए हैं, हम लोग तो पास ही है। प्रभु कहता नहीं, पास आओ, पास मेरे साथ और मेरे पास तो मैं विश्राम दूंगा। प्रभु ढूंढ रहा है आप ऐसे कौन से बोझ में फंस गए हैं, कौन सी बातों ने आपको आज पास आने से, साथ में आने से रोक दिया है। आप पढ़ेंगे यर्मिया उसकी 35वीं अध्याय, 31वीं अध्याय उसकी 25वीं आयत में, 31 के 25 में वहां पर लिखा 31:35 यर्मिया 31 की 25। मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया और उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। फॉर आई हैव सैचिएटेड द वीरी सोल एंड आई हैव रिप्लेनिश एवरी सोरोफुल सोल। प्राण को भी भर दिया है और थके हुए लोगों को तृप्त भी कर दिया। ये तो अद्भुत काम उसने किया। इन समय में ऐसी परिस्थितियां हुई, मगर प्रभु कहता बोझ में तुम्हें शांति समाधान देकर तृप्त करने वाला और इस प्रकार से प्राण को भरकर तुम्हें सरवाइव कराने वाला कौन है? वही जीवता परमेश्वर है, उसी का वादा है। और वही कहता है अंत में मैं सब कुछ तुम्हें कर दूंगा। अनंत की योजना में भी आराम की प्रभु की योजना है, जो प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय की 13वीं आयत में, जो परमेश्वर मेरे और आपके लिए देना चाहता है वो कौन सी है? मैंने स्वर से शब्द सुना 14:13 ऑफ रेवलेशन कि लिख, जो प्रभु मुर्दे प्रभु में मरते हुए आपसे धन्य है, आत्मा कहता है, क्योंकि वे अपने परीक्षणों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हालेलुया। प्रभु इन अद्भुत बातों को मेरे और आपके जीवन से करने पर है, क्योंकि इसी के 22वें अध्याय उसकी 17वीं आयत में कहता है, दुल्हन से भी कहता है, क्या कहता है? आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाले भी कहें कि आ, और जो प्यासा वो आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में पी ले। आज प्रभु आत्मा की अद्भुत नदी में अनंत रूप में मेरे और आपके जीवन में आत्मा की उस नदी को बहा रहा है। आज कितने लोग इस अद्भुत नदी को अपने जीवन में बहते हुए देखना चाहते हैं, इस अद्भुत महिमा की बातों को प्रभु मेरे और आपके जीवन में बहा रहा है। आज इन बातों के द्वारा प्रभु ने बताया, मैं आत्मिक रूप से तुम्हें रेस्ट देना चाहता हूँ। इस समय चुपचाप होकर, शांत होकर, कलीसिया में साथ आकर, ढूंढते हुए साथ में रहकर, सहभागिता के साथ और पास में रहकर इन अद्भुत महिमा को सेवा में, हानि में, सच्चाई में, परेशानी में, बोझ में, विश्वास में और अनंत जीवन के इस मामले में कली से ही वो स्थान है जहां परमेश्वर अपनी उपस्थिति के द्वारा अपनी महिमा का वादा करता है। ये बातों को उसने हमें बता दिया है। प्रभु कहता है इस समय चंगाई और चमत्कारों की अद्भुत श्रृंखला हमारे जीवन में बह रही है, और कहता है इस समय मैं इतना ही काम नहीं करूंगा बल्कि अद्भुत महिमा की बातें जो तुम्हारे जीवन से मैं दिखाने पर हूं। एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अद्भुत महिमा का वो अद्भुत तुम्हारे जीवन में बहाने पर हूं। उन बातों के लिए हम अपने जीवनों को समर्पित करें। हां प्रभु, इस आत्मिक आराम को, सांत्वना को मैं आपकी उपस्थिति में रहते हुए चाहता हूं। परेशानी में, बोझ में, विश्वास की परिस्थिति में, हर परिस्थिति में प्रभु मैं तेरे साथ, तेरे आराम को जो आपने वादे के साथ मुझे दे दिया है मैं पाना चाहता हूँ प्रभु। ओ प्रभु, आपकी महिमा का अद्भुत भाग हम अपने जीवन में चाहते हैं प्रभु। ओ प्रभु, अद्भुत रीति से हम चाहते सदा आपके साथ रहे हैं। सचमुच में प्रभु का उठना बैठना हमारे बीच में है। जब हम प्रभु के साथ है तो प्रभु हमारे साथ सब कुछ करने के लिए तैयार है। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है, तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ, यीशु है
यहाँ, यीशु राजा है यहाँ, मेरा स्वामी है यहाँ, जहाँ तू होता है चंगाई होती है, जहाँ तू होता है रिहाई होती है, जहाँ तू होता है मुक्ति होती है, जहाँ तू होता है भलाई होती है, अब तू यहाँ है चंगाई यहाँ है, अब तू यहाँ है रिहाई यहाँ है, अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है, अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है, यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ, जहाँ तू होता है खुशहाली होती है, जहाँ तू होता है आजादी होती है, जहाँ तू होता है सामर्थ्य होती है, जहाँ तू होता है भरपूरी होती है, अब तू यहाँ है खुशहाली यहाँ है, अब तू यहाँ है आजादी यहाँ है, अब तू यहाँ है तो सामर्थ यहाँ है, अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है, यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ, तेरा उठना बैठना मेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है, तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा उठना फिरना तेरे लोगों में है। हमारे जीते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थ्य नाम आपके चरणों से ही पाते प्रभु, आपकी अलौकिक उपस्थिति में आपके आराम को शांतवना को, आपके अलौकिक उपस्थिति में अद्भुत महिमा की बातों को शांत रहकर साथ में रहकर प्राप्त करने की योजनाओं को, जो अपनी कलीसिया को सुरक्षा के साथ महिमा की अद्भुत बातों को आपने दे दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी अद्भुत महिमा का अलौकिक भाग जो हमने देखा नहीं सुना नहीं समझा तक नहीं है, यीशु के नाम से हर एक विश्वासी के जीवन में पूरा करें। सब साथ में लौट आए और साथ में रहे, पास में रहे और पुकार उठे, शांत रहकर प्रभु की ओर देखे, शांत रहकर खड़े खड़े उद्धार के काम को देखो, महिमा के कामों को देखा, अद्भुत अलौकिक रूप से प्रभु रक्षा के साथ अद्भुत महिमा की बातों को सब परिस्थिति में आपने वादों के साथ आपने घोषित कर दिया है, और हाँ और आमीन के साथ आपने हमारे नाम कर दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उन सारी बातों में प्रभु आपका आदर में जलाल देते, सबो की जीवन की आशीष जिन्होंने उपस्थिति के साथ अपने सहभागिता दी है, आपकी महिमा का अद्भुत भाग उपस्थिति में होकर उनके जीवन में राज्य करने पाए, और जिन्होंने मान लिया है उनके साथ रहने पाए, धन्यवाद प्रभु आपने ऐसा किया। सरा दुन जलाल आपको देते, सबों की जीवन की आशीष की कामना करते हुए विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुना ग्रहण करें। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहायता हमारे साथ सभी लोगों के साथ उपस्थित समर्पित हर एक लोगों के साथ आज से लेकर दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कल के दिन भी याद रखें, कल ठीक शाम को 7:30 बजे पवित्र आत्मा की सभा होगी, पवित्र आत्मा की समय हम भरपूरी की सभा होती है जो सप्ताह के प्रथम समय, हम जरूर से कल शाम जमा होंगे। प्रभु आप सबों को आशीर्वाद।